हेलो सम्मानित मित्रों, एस्ट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी। आज मैं आपको वास्तु के कुछ उपाय बताना चाहता हूं जो आपके सेहत से संबंध रखते हैं, आपके स्वास्थ्य से संबंध रखते हैं मित्रों, आपकी हेल्थ से संबंध रखते हैं। तो वास्तु का सिस्टम जो है वो आपका किस प्रकार का होना चाहिए, या अगर कोई वास्तु का दोष है और स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे विनम्र आग्रह है, आप मेरे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। आपका ज्योतिष वास्तु या हस्तरेखा से संबंधित कोई सवाल है तो वह सवाल YouTube में जाकर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो मित्रों, यदि आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट ज्योतिष वास्तु या हस्तरेखा सीखने में है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखा करें, उसे सब्सक्राइब भी करें। इससे आपको काफ़ी हद तक ज्योतिष वास्तु या हस्तरेखा सीखने में मदद मिल सकती है। तो आज बात कर रहा हूँ मैं मित्रों वास्तु की, आपके जीवन पर वास्तु का जो आपके स्वास्थ्य पर वास्तु का कैसा प्रभाव रहता है। तो मित्रों, बात करूंगा आपके मकान की, जिस घर में आप रहते हैं उस घर की। तो मित्रों, सबसे पहली बात कि कभी भी मुख्य गेट, आपके मकान का मेन गेट जो है, कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में आपके मकान का मुख्य द्वार है तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हेल्थ वाइज, आर्थिक रूप से तो समस्या आती ही है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे आपके स्वास्थ्य पर या परिवार के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव हो सकते होते हैं, जहाँ की उत्तर और पूर्व की दिशाएं बिल्कुल बंद हैं और उन मकानों के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ या साउथ वेस्ट जो है वो इन्होंने बिल्कुल ओपन कर रखा है और मेन गेट भी उनका वही है। तो ये बहुत बड़ा वास्तु का दोष है मित्रों। ऐसे मकान में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आर्थिक समस्या तो उनको आती ही है, परंतु स्वास्थ्य के लिए ये बिल्कुल ही सही नहीं है। तो मित्रों, यानी कि घर का उत्तर पूर्व या पूर्व या उत्तर, ये तो बिल्कुल ऑफ है। इधर से कुछ भी, कहीं से कोई रोशनी नहीं, कोई हवा नहीं, और साउथ वेस्ट और साउथ को आपने पूरी तरह खोल रखा है। ये वास्तु का बहुत बड़ा दोष होता है मित्रों। ऐसे मकान में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं हो सकता। साउथ वेस्ट में बने हुए मुख्य द्वार को बंद करवा देना चाहिए। साउथ वेस्ट का मुख्य दरवाजा, मुख्य गेट यानी कि मेन गेट अगर आपका साउथ वेस्ट में है तो इसे सबसे बड़ा वास्तु का दोष माना गया है मित्रों। ये दरवाजा, ये गेट अगर आपका बंद हो जाएगा तो आपके परिवार के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं लगभग समाप्त सी हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको उत्तर पूर्व या ईस्ट की ओर से या उत्तर की ओर से आपको कोई ना कोई खिड़की या दरवाजा जरूर बनाने का प्रयास करना चाहिए। वो इसलिए मित्रों कि इधर से आने वाली हवाएं, इधर से आने वाली रोशनी हमेशा आपके और आपके परिवार के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी पैदा कर सकती है। और यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार रहता है, गंभीर रूप से बीमार है मित्रों, तो क्या करना चाहिए, उसका बेडरूम, ये अक्सर मैंने कई वीडियो में आपको पहले भी बताया है कि बेडरूम जो बीमार रहने वाले व्यक्ति का, परिवार का मुखिया है या कोई भी व्यक्ति है, उसका बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में बनाना चाहिए। साउथ वेस्ट का बेडरूम हमेशा व्यक्ति को कभी बीमार नहीं होने देता, और यदि वह कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो वह प्रॉब्लम उसकी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। उसका उपचार, उसका इलाज तो जारी रखना चाहिए। इसके साथ साथ उसे साउथ वेस्ट में बने हुए कमरे में सुलाना चाहिए। इसके साथ साथ जो व्यक्ति बीमार है उसके कमरे में कुछ सप्ताह के लिए, उसके कमरे में कुछ सप्ताह के लिए सूर्यास्त के बाद एक दीपक या एक मोमबत्ती जरूर जलानी चाहिए मित्रों। प्रतिदिन, हर रोज प्रतिदिन आपको सूर्यास्त के बाद बीमार व्यक्ति के कमरे में एक मोमबत्ती या एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, जिससे कि उस बीमार व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छाएं ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। और इसके साथ साथ
आपको कभी भी अपने बेडरूम में भगवान की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए, अपने इष्ट की फ़ोटो कभी भी बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। इससे भी आपका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इससे भी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और एक बात मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ मित्रों, कि सिरहाना हमेशा सोते समय सिरहाना हमेशा साउथ की तरफ रखना है और पैर हमेशा अपने नॉर्थ की तरफ रखने हैं, यानी कि दक्षिण की तरफ से रखना है और उत्तर की तरफ अपने पैर रखने हैं। इससे भी आपका स्वास्थ्य काफ़ी उत्तम बना रहे। इसके साथ साथ जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान की साउथ वॉल पर, उस मकान की दक्षिण की दीवार पर बजरंगबली का हनुमान जी का चित्र जरूर लगाना चाहिए मित्रों। इससे भी परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। और एक बात यहाँ विशेष रूप से जरूर ध्यान रखें कि मकान जिस घर में रहते हैं, जिस मकान में आप रहते हैं, उसकी दीवारें साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई दरार या उसका रंग नहीं उतरा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा होता है मित्रों तो शनि और राहु का बहुत अशुभ प्रभाव मिलता है। इससे हड्डियों का रोग या सियाटिका या कमर दर्द या फिर पीठ का दर्द होने जैसी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, यानी शनि से संबंधित बीमारियों से आपको जूझना पड़ सकता है। इस बात को जरूर ध्यान रखें मित्रों कि आपकी दीवारें हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, उसका रंग नहीं उतरा हुआ होना चाहिए। मैली कुचैली दीवारें हमेशा शनि और राहु के लिए काफ़ी अशुभ मानी जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई परिवार का सदस्य बीमार है मित्रों, तो उसकी दवाइयाँ जो उसका उपचार चल रहा है उसकी दवाइयों को हमेशा उत्तर पूर्व में या उत्तर में रखना चाहिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की तरफ रखने से उस पर दवाइयों का ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। और इसके साथ साथ जिस कमरे में बीमार व्यक्ति को सुला रखा है या जहाँ वह रहता है उस कमरे में एक स्टील की कटोरी में केसर का घोल रख देना चाहिए। इससे भी बीमार व्यक्ति को जीने की प्रबल इच्छा शक्ति जागृत होती है और उसकी आयु में वृद्धि भी होने की संभावना बनती है। तो आज के लिए इतना ही। अपने ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी को भी इजाजत दें। अगली बार आपको फिर कोई नए और अच्छे वास्तु की टिप्स बताने का प्रयास रहेगा। सादर नमस्कार।